आई एम डॉक्टर कनिष बंसल, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, जेपी हॉस्पिटल, जीरकपुर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डाइट इन डायबिटिक पेशेंट्स। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें कैसी डाइट लेनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले, व्हाट इज डायबिटीज़? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी या इंसुलिन की रेजिस्टेंस के कारण होता है। इसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान पेशेंट्स को रखना चाहिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी है टाइमिंग ऑफ द मील्स। पेशेंट को रेगुलरली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम लेना चाहिए। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हम वो कैलोरीज कम करने के लिए ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं या लंच नहीं करते हैं, और उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर दिस इज़ नॉट राइट। पेशेंट्स को रेगुलर मील्स लेने चाहिए। ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे तक हो जाए, लंच दोपहर को 1 से 2 के बीच में, और डिनर रात को 8 बजे तक हो जाए। बीच में 11-11:30 बजे थोड़ा स्नैक्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और 5 बजे चाय के साथ थोड़े स्नैक्स ले सकते हैं। तो बेसिकली पेशेंट को ध्यान रखना है कि उनके मील्स के अंदर बहुत ज़्यादा गैप ना हो और वो बिल्कुल पेट भर के भी ना खाएं। तो दे शुड हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। देन इज क्वांटिटी, पेशेंट को कितना खाना चाहिए। अब पेशेंट पूछते हैं कि हाँ जी, हमारे को 2 चपाती खानी चाहिए या 4 चपाती खानी चाहिए, हमें कितनी सब्जी खानी चाहिए। तो वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, आप किसी वेट लॉस डाइट पर तो नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है और आपका वेट नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, तो आप कैलोरीज ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप किसी वेट लॉस डाइट पर हैं, तो ऑब्वियसली आपको कैलोरीज कम लेनी पड़ेंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते वक्त आप अपने डाइटिशियन के पास जाइए और एक डाइट चार्ट बनवाइए। देन इज़ योर क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड में हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट्स क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि पेशेंट को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाना है। नाउ व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। अब कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और बहुत जल्दी बढ़ाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। और कुछ फूड्स होते हैं वो अपना ब्लड शुगर लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ाते हैं और कम बढ़ाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के केस में पैंक्रियास के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता और उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज नहीं करना पड़ता। तो डेफिनेटली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ही एडवाइजेबल हैं। सो व्हाट आर द वेरियस फूड्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कौन से हैं? उनमें होता है हाई फाइबर डाइट, जैसे कि फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, ब्रोकली, ये सब खा सकते हैं। फ्रूट्स कौन कौन से ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स? वो पपीता ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, और कुछ फ्रूट्स हैं जो अवॉइड करने हैं, जैसे केला, आम, लीची, अंगूर, चीकू, ये सब पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड है तो वो हफ्ते में एक बार ये फ्रूट्स, इनमें से एक फ्रूट कोई भी ले सकता है, बिल्कुल पूरी तरह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही राइस भी वो हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं, और आलू भी थोड़ा कम खाना चाहिए। फिर कौन से फूड्स हैं जो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए? वो हैं जैसे मैदा फूड्स, वाइट ब्रेड, या फिर रिफाइंड सीरियल्स, या फिर पास्ता, जंक फूड, पिज़्ज़ास, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स तो कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक्स आर वेरी हार्मफुल। देन और कौन से फूड्स ले सकते हैं? जैसे कि चिया सीड्स होते हैं। चिया सीड्स लेने का क्या फ़ायदा है? चिया सीड्स से जो स्टमक है वो बहुत जल्दी फुल होता है, और इसके कारण पेशेंट को जो हंगर है वो पेशेंट का ख़त्म हो जाता है और पेशेंट को कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं मिलती हैं। देन एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हम ले सकते हैं, जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फिश ले सकते हैं, वो फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। तो इस तरह के फूड्स हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल सारा कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर टाइमिंग, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड से हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।